हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ट्रिपल सी की 500 क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। आज हम लोग 5 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर ड्रम, लेजर एंड चैंस? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर? नहीं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारा ड्रम होता है और ये प्रिंटर के अंदर, कॉटेज के अंदर इस तरह से होता है। ये हमारा पीसीआर होता है और ये हमारा ड्रम होता है। लेजर के माध्यम से जो भी हम कंप्यूटर में डिजाइन बनाते हैं और जब हम प्रिंट देते हैं, तो जो भी हमारी डिजाइन होती है लेजर के माध्यम से इस पर ड्रम पर आकृति बन जाती है। और ये बहुत ज्यादा हीट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही वह आकृति बनी होती है। और बहुत ज्यादा ये हीट होता है। जब हमारा पेपर जा रहा होता है तो पेपर पर ये जो इंक होती है हीट होने की वजह से चिपक जाती है और हमारे पेपर में वो प्रिंट छप जाता है। जब भी हम कागज को देखते हैं, नया नया प्रिंट हुआ होगा, तो वो थोड़ा सा हीट मिलता है, वो इसीलिए होता है। इंक हमारी जो होती है वह पाउडर के रूप में ड्राई होती है। इस तरह से हमारा ड्रम वर्क करता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंटर के अंदर ड्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, नेटस्केप, ओपेरा? तो आपके ऑप्शन ये रहे और आप जल्दी से सोचिए, आपके पास टाइम है 5 सेकेंड। ऑप्शन है सी, नेटस्केप। तो जान लेते हैं कब लॉन्च हुआ नेटस्केप ब्राउजर। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द ब्राउजर वॉज रिलीज्ड इन 1994 में। इस तरह से ये नेटस्केप का लोगो हुआ करता था। तो बाकी के भी जान लेते हैं कि कब कब कौन रिलीज हुआ। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर अगस्त 17, 1995, फिर नवंबर 9, 2004 मोज़िला फायरफॉक्स, और गूगल क्रोम सितंबर 2, 2008। तो ये चारों ब्राउजर हैं और कौन कौन सा किस किस सन में लॉन्च हुआ। 1994 में नेटस्केप हुआ तो वो पहला हो जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इंडियाज टॉप ब्राउजर मार्केट शेयर इन जुलाई 2020। क्रोम मार्केट शेयर इन इंडिया इज 87.81% अकॉर्डिंग टू जुलाई 2022 डाटा, विच मेक इट इंडिया मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर फॉर दिस मंथ। तो इसके पीछे दो कारण हैं, प्रमुख दो कारण बड़े बड़े हैं कि यह क्यों इतना ज्यादा अच्छा है और इस मोस्ट पॉपुलर कैसे बना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रोम को बनाया किसने। क्रोम को बनाया है गूगल ने। और आपको पता होगा कि भारत में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, 99% लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन्स है उनके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया है, गूगल कंपनी ने बनाया है। जब गूगल कंपनी ने एंड्रॉइड को बनाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर जो एप्स डालेगा वह अपनी ही कंपनी के बनाए हुए एप्स डालेगा, जो वो बनाता होगा। जो नहीं बनाता होगा वो उसका कोई मतलब नहीं। तो क्रोम ब्राउजर बनाता है तो ब्राउजर आपको बाय डिफॉल्ट देगा। अब बहुत से लोगों को इससे मतलब नहीं है कि वो कौन सा ब्राउजर यूज करें, उनको केवल इंटरनेट चलाना है, जो भी ब्राउजर मिलेगा वो चलाएंगे। तो एक कारण सबसे बड़ा यही रहा कि उनको क्रोम बाय डिफॉल्ट मिला और उन्होंने क्रोम चलाया। चूंकि क्रोम में कोई दिक्कत नहीं थी तो कोई क्यों बदलेगा, एक कारण। एंड दूसरा कारण ये कि वाकई में लाइट है, फास्ट है, तुरंत खुलती है वेबसाइट, और
समय समय पर इसमें अपडेट आते रहते हैं, तो अच्छा भी है। और दूसरा कारण कि एंड्रॉइड की वजह से, अब बात करते हैं जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो विंडोज होता है, उसमें तो एंड्रॉइड नहीं होता है। और विंडोज को किसने बनाया था? ईज ने बनाया है। और इसके पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते थे, बेकार हो गया क्योंकि वो अपडेट नहीं दे पाए, इसलिए वो बंद हो गया। तो विंडोज 7 अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बाय डिफॉल्ट आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा। विंडोज 8 है, 8.1 है, वहां पे भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन विंडोज 10 जब आया तो गूगल क्रोम को टक्कर देने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्होंने अपग्रेड किया और एज नाम का इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह एज ब्राउजर को लॉन्च किया गया। अच्छा था, फास्ट था, लाइट था, लेकिन गूगल क्रोम के सामने टिक नहीं पाया। फिर भी 1.5% तो लोग यूज कर ही रहे हैं, फायरफॉक्स से अभी भी वो आगे है। तो उसका कारण ये है कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में है। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आज भी माइक्रोसॉफ्ट है, तो आप ये देख सकते हैं। तो आई होप कि आप ब्राउजर समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, एवास्ट है, वीएलसी है, विड डिफेंडर है और एवीजे, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी जल्दी सोचिए आप। ऑप्शन है बी। तो वीएलसी, वीएलसी क्या है? वीएलसी मीडिया प्लेयर है, देख लेते हैं। तो इस तरह से हमें आइकन मिलता है। वीएलसी मीडिया प्लेयर इज ए फ्री एंड नाउ ओपन सोर्स पोर्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर एंड स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर डेवलप्ड बाय द वीडियो लैन प्रोजेक्ट। इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम वीडियो चला सकते हैं, ऑडियो चला सकते हैं। ये एक एंटीवायरस नहीं है, फ्री है, इंटरनेट में आसानी से मिल जाता है। वीएलसी मीडिया प्लेयर डाउनलोड अगर आप करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। 10 से 12 एमबी का सॉफ्टवेयर है, इसके लिए ज्यादा टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्ले कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास विंडोज 10 है या विंडोज 8 है या जो भी विंडोज है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पर डिफॉल्ट आपको एक मीडिया प्लेयर मिलता है, उसका नाम विंडो मीडिया प्लेयर होता है। उसके बाद में भी वीएलसी ज्यादा चलाया जाता है क्योंकि वीएलसी में क्या रहता है कि किसी भी क्वालिटी का वीडियो होगा वो आसानी से अच्छे से चलेगा। विंडो मीडिया प्लेयर में जो डिफॉल्ट मिलता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें अच्छी क्वालिटी के वीडियो, एचडी क्वालिटी के वीडियो, फुल फ्रेम वीडियो अच्छे से चलते हैं। लेकिन अगर वही लो क्वालिटी के वीडियो होंगे तो 3GP क्वालिटी के वो नहीं चलते हैं, इसलिए भी लोग इसको यूज में लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शंस हैं सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर। तो आप लोग गेस करिए, आपका टाइम शुरू होता है। ऑप्शन है सी, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग। तो पिछले वीडियो में बताया था कि ये मल्टी टास्किंग होता है, और अब चूंकि ऑप्शन साथ में आया है, मल्टी यूजर पिछली क्लास में बताया था, और अब चूंकि साथ में आया है मल्टी टास्किंग, तो क्या होती है मल्टी टास्किंग? जैसे हम अपने विंडो में भी देखते हैं कि हम कई सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। टास्क का मतलब काम होता है, मल्टी टास्किंग कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं, साथ में हमें सॉन्ग सुनने का मन है तो वीएलसी मीडिया प्लेयर पर हमने सॉन्ग लगा दिया। दूसरा, हमें क्रोम पे अगर हम फेसबुक भी चला रहे हैं तो फेसबुक भी चला रहे हैं, हम साथ में यूट्यूब भी चला पा रहे हैं। तो एक साथ हम कई सारे काम एक साथ कर रहे हैं, पा रहे हैं अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वह मल्टीटास्किंग होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड कंप्यूटिंग इन द फॉलोइंग। ऑप्शन है स्टोरिंग डाटा ऑन ए लोकल सर्वर, स्टोरिंग डाटा
ऑन ऑन कंप्यूटर, डाटा ट्रांसमिशन थ्रू क्लाउड्स, स्टोरिंग डाटा ऑफ क्लाउड सर्वर्स। तो आपका टाइम शुरू होता है, आप जल्दी से सोचिए। डी, स्टोरिंग डाटा ऑफ क्लाउड सर्वर। समझ लेते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये क्लाउड सर्वर है, क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड सर्वर है, क्लाउड स्टोरेज, और इसमें हम स्मार्टफोन से, कुछ लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, कुछ लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, कुछ लोग, तो आपस में कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्ट हो रहे हैं क्लाउड सर्वर के माध्यम से। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि फेसबुक कंपनी है, आप फेसबुक में अपना अकाउंट बनाते हैं, आप अपना फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जो भी डालते हैं, आप अपना डाटा डालते हैं, दूसरा आपका दोस्त भी डालता है, पड़ोसी भी डालता है, मोहल्ले वाला भी डालता है, भारत के सारे लोग डालते हैं, ज्यादातर लोग डालते हैं, तो सभी लोग वहां जा रहे हैं ना डालने, तो ये सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो फेसबुक क्या करता है कि जहां भी उसने अपना हेड ऑफिस बनाया होगा तो वहां पर वो डाटा सेंटर बनाता है। डाटा सेंटर में 100 कंप्यूटर होते हैं, 1000 कंप्यूटर होते हैं, कितने भी कंप्यूटर हो सकते हैं, और एक एक कंप्यूटर सैकड़ों सैकड़ों हार्ड डिस्क से जुड़ी होती है। जब भी आप उनकी वेबसाइट को ऑन करते हैं तो वो डाटा सेंटर से वेबसाइट कनेक्ट रहती है। जब भी आप कोई चीज फाइल को अपलोड करते हैं तो वे उनके कंप्यूटर्स, डाटा सेंटर्स की जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, वहां पर आपकी फाइल को स्टोर कर दिया जाता है, और जब आप फाइल को ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वहीं से वो डाउनलोड होके आती है। तो इस तरह का जो स्टोरिंग है, स्टोरिंग सर्वर है, ये हमारा क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। जैसे भारत में एक एग्जांपल है और आप समझ भी लेंगे, भारत सरकार ने 2014 जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो डिजी लॉकर एक व्यवस्था लेके आए, एक साइट बनवाई, और डिजी लॉकर में सभी भारतीयों के लिए खुद का अपना वो लोग अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अकाउंट कैसे बनेगा उसके लिए उन्होंने एक और बढ़िया सिक्योरिटी पर्पज किया हुआ है कि आधार कार्ड का डाटा आपका यहाँ पर डाल दिया गया है, यानी कि इसको साइन अप करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, और आपका जब आधार आपने बनवाया था तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने नंबर आधार बनवाते वक्त दिया था, या अगर आपका गुम हो गया नंबर तो आप दोबारा से भी अपना नंबर रजिस्टर्ड करा सकते। तो दो चीजें चाहिए होती हैं, जब आप साइन अप करने जाएंगे तो आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, और फिर उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आ जाएगा, आप साइन अप कर पाएंगे, अपना अकाउंट बना पाएंगे, आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड अपना बना सकते हैं। बनाने के बाद में आप जब साइन इन करेंगे तो आपने जो आधार कार्ड में डिटेल्स दी होगी, बाय डिफॉल्ट आपको वहां नाम मिलेगा आपको अपना, और आपको अपनी वहां फोटो भी मिलेगी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं और इंटर के छात्र हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट वहां पर आपकी मार्कशीट भी मिलेगी इंटर की। उसके बाद में आप जितनी भी सरकारी सुविधाएं लेते हैं, जैसे आपने वैक्सीन लगवाई अभी, तो उसका भी डाटा वहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि आपने जब वैक्सीन लगवाई थी तो आधार कार्ड देके ही आपने वैक्सीन लगवाई थी। और भी जैसे कि आप डीएल बनवाते हैं तो वो भी डाटा वहां पर आपको कनेक्ट मिलेगा। और आप अगर चाहते हैं कि हाई स्कूल या इंटर की जो भी हमारी मार्कशीट है वो सब हम यहाँ पे स्टोर कर दें, और जब भी जरूरत हो हम उसको डाउनलोड करें, तो वो भी आपको सुविधा मिलती है। और डिजी लॉकर का भी एक डाटा सेंटर बना हुआ है, जितने भी लोग यहाँ पे, जैसे दिखा रहा है कि 100 मिलियन यूजर इसमें जो है अपना अकाउंट ओपन कर चुके हैं, तो आप भी अपना अकाउंट इसमें ओपन कर लीजिए, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप अपना मार्कशीट, अपना जरूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जैसे आप दिल्ली में पेपर देने गए, और जब आप दिल्ली में हैं तो आपको अगर आपकी मार्कशीट की जरूरत है तो आप किसी भी इंटरनेट कैफे में या मोबाइल में या कहीं से भी आप डिजी लॉकर आईडी को खोल सकते हैं और अपना जरूरी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जीमेल में भी हम ये लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन जीमेल क्या है कि गूगल का है और गूगल एक अमेरिकन कंपनी है। आज हमारे रिश्ते अच्छे हैं किसी विदेशी देश से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते खराब हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो अपना सर्वर इंडिया से समाप्त कर दें। जैसे कि अभी आपने देखा कि यूक्रेन और जब रशिया का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने अपनी सर्विसेज सारी वहां से रूस से वापस मंगा ली,
इसलिए मोदी जी ने पहले से ही भारतीयों के लिए डिजी लॉकर नाम की वेबसाइट बना दी है, जिससे कि ये पूरी तरीके से सरकारी साइट है, गवर्नमेंट साइट है, और किसी भी देश से हमारे कुछ भी रिश्ते हों उस पे हमारे डाटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको हमारा पार्ट 3 वीडियो अच्छा लगा होगा। आज भी हमने 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है, और आने वाले समय में भी हम 5-5 क्वेश्चंस के वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें। नहीं समझ में आया 2-3 बार देखें, और जब बार बार आप 3-4 बार इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।